हेलो बच्चों, आज की साइंस क्लास में हम जानेंगे लेंस से प्रतिबिंब बनने के सामान्य नियम के बारे में, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इसलिए आप क्लास के लास्ट तक बने रहें और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, नई क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास लेंस से प्रतिबिंब बनने के सामान्य नियम को। इस क्लास को हम एक डार्क रूम में लेंगे, तो चले चलते हैं अपने डार्क रूम में। तो हम आ गए अपने डार्क रूम में और ये है मेरे पास एक लेजर लाइट बॉक्स और हम ले लेते हैं लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए रूल नंबर वन क्या है, देखिये हम इस लेजर लाइट बॉक्स को यहां से स्विच ऑन करते हैं और आप देखेंगे, ध्यान देंगे कि इससे जो लाइट फॉल करती है इस कॉन्वेक्स लेंस की सरफेस पर, वो आपका रिफ्रैक्शन कैसा बिहेवियर शो करती है। तो स्विच ऑन करते हैं लेजर बॉक्स को, ये देखिए, आप ध्यान दीजिए, देखिए क्या हुआ, पैरेलल एक लाइट बीम आई। किसके पैरेलल? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट बीम ने फॉल किया कॉन्वेक्स लेंस के सर्फेस पर और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज हो गई। देखिए आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज हो गई है कहां को, इस प्रिंसिपल एक्सिस की ओर को, ये अभिसरित हो गई है नीचे की ओर को, मोड़ गई है अगर सरल भाषा में कहें तो। बच्चों मान लीजिए कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और ऑब्जेक्ट से अगर कोई पैरेलल लाइट बीम आए, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर किसी ऑब्जेक्ट से कोई लाइट बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करती है कॉन्वेक्स लेंस की सरफेस पर, तो वो इस प्रिंसिपल एक्सिस को काटते हुए निकल जाती है। अब यहां ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सा पॉइंट है जहां पर ये से काटते हुए निकलती है। तो बच्चों ये पॉइंट है इसके लिए इसका फोकस। तो रूल नंबर वन क्या हो गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने है और उससे एक लाइट बीम कुछ इस प्रकार से आ रही है कि वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कॉन्वेक्स लेंस से उसके प्रिंसिपल फोकस से होती हुई निकल जाएगी। ये हो गया रूल नंबर वन। तो जल्दी से इसे नोट भी कर लेते हैं, हमारा रूल नंबर वन है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। अब जानते हैं क्या कॉनकेव लेंस भी ऐसा ही बिहेवियर, तो ये आ गया हमारे पास कॉनकेव लेंस। अब आप ध्यान दीजिए, मैं इस पर लाइट बीम को फॉल कराता हूं इसकी सरफेस पर, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है आप लोग नोटिस करेगा। देखिए स्विच ऑन कर लेते हैं लेजर लाइट बॉक्स को, ये यहां से लाइट बीम गई और यहां आप देखिए डाइवर्ज हो गई। तो हम पहली बात तो जान गए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्केव लेंस के सामने हो और उससे कोई लाइट बीम पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो जाएगी, वो अपसरित हो जाएगी। बट कि ये जो डाइवर्ज होने वाली लाइट रे है, ये हमें ऐसा लगता है कि ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, ये किसी एक पॉइंट से बाहर को आ रही है लाइट, जबकि ये आ कहां से रही है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहीं से आ रही है। अगर हम इसे पीछे को मिलाएं इस लाइट रे को, तो देखिए डॉटेड लाइन हम मिलाते हैं से, ये देखिए आप यहां पर कोई कहीं मिल रही है और ये पॉइंट है इसका फोकस। तो क्या बन गया कॉन्केव लेंस के लिए रूल नंबर वन? रूल नंबर वन हम कहेंगे कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहां ध्यान दीजिए, देखिए यह हमें ऐसा लगता है यहां पर को कि ये इसके फोकस से आ रही है। तो रूल नंबर वन क्लियर हो गया कॉन्केव लेंस के लिए। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर टू फिर से कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ये आ गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। देखो बच्चों अभी तक हमने जान लिया है कि अगर कोई लाइट बीम पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के कॉन्वेक्स लेंस पर, तो वो रूल नंबर वन के अकॉर्डिंगली कन्वर्ज हो जाती है उसके फोकस की ओर को, जो हमने पहले रूल में जाना था। लेकिन क्या हो अगर कोई लाइट बीम इसके फोकस से होकर के कॉन्वेक्स लेंस की सरफेस पर इंसिडेंट करें? तो यहां है इसका फोकस, मान लीजिए यह है फोकस और लाइट बीम ऐसे आए कि वो इससे होकर के इस कॉन्वेक्स लेंस की सरफेस पर फॉल करे। तो हम इसे स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन किया, देखिए इसके फोकस से आई। अब आप देख रहे होंगे जब कोई लाइट बीम इसके फोकस से आ रही है और वो इसके सरफेस पर आने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, अपवर्तित हो रही है, तो वो पैरेलल हो जा रही है किसकी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के। ये बिल्कुल रूल नंबर वन का अपोजिट है। हम एक लाइट बीम को और फॉल करा के देखते हैं इस कॉन्वेक्स लेंस के सरफेस पर और कहां से वो भी आएगी, इसके फोकस से। तो चलिए इसको स्विच ऑन करते हैं, ये देखिए आप, ये लाइट बीम और गई इसकी
फोकस से होती हुई और कहां पे फॉल हुई, इस कॉन्वेक्स लेंस की सरफेस पर। और आप देख रहे होंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन ये भी पैरेलल हो गई है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हम क्या समझे रूल नंबर टू से, अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने हो और उससे कोई लाइट बीम इस प्रकार से आए कि वो फोकस से होती हुई फॉल करे कॉन्वेक्स लेंस की सरफेस पर, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। ये बिल्कुल रूल नंबर वन का अपोजिट है, इसको भी नोट कर लेते हैं। यह है उत्तल लेंस के फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो जाती है। चलिए ये तो था रूल नंबर टू कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब जानते हैं क्या कॉन्केव लेंस भी ऐसा ही बिहेवियर शो करता है या नहीं। तो ले लेते हैं फिर से कॉन्केव लेंस को, आगे कॉन्केव लेंस। अब हमने अभी भी देखा था कि अगर लाइट बीम फोकस से होती हुई आ रही है तो पैरेलल हो जा रही है। चलिए हम इस पर भी फॉल करा के देखते हैं कि क्या होता है कॉन्केव लेंस कि अगर कोई लाइट बीम फोकस की ओर को जाती है तो। स्विच ऑन कर लेते हैं अपने लेजर लाइट बॉक्स को, इन्हें स्विच ऑन किया और ये देखिए एक लाइट बीम जो कुछ इस प्रकार से आ रही थी, हम इसे अगर आगे को बढ़ा दें तो ये आगे जाके कहीं इस प्रिंसिपल एक्सिस को काटती है, और ये जहां पर इस प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है वो पॉइंट है इसका फोकस। तो हम कहेंगे कि ये लाइट बीम कुछ इस प्रकार से आ रही थी कि ये इसके फोकस की ओर को बढ़ रही थी, बट यहां बीच में हमने एक कॉन्केव लेंस रख दिया तो क्या हुआ, ये लाइट यहां से रिफ्रैक्ट हो गई, ये लाइट यहां से रिफ्रैक्ट हो गई यानी कि अपवर्तित हो गई, और अपवर्तन के बाद ये लाइट रे आप देखेंगे पैरेलल हो गई है, किसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो हम रूल नंबर टू से क्या समझे, अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्केव लेंस के सामने हो और उससे कोई लाइट रे इस प्रकार से फॉल हो कॉन्केव लेंस की सरफेस पर कि वो कॉन्केव लेंस के फोकस की ओर बढ़ रही हो, तो वो लाइट रे कॉन्केव लेंस की सरफेस पर फॉल होने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाती है। ये हो गया रूल नंबर टू कॉन्केव लेंस के लिए, इसको बता लेते हैं। यह है अवतल लेंस की फोकस की ओर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो जाती है। तो ये होगी दो नियम उत्तल और अवतल लेंस के लिए। चलो बढ़ते हैं अपने लास्ट नियम रूल नंबर थर्ड की ओर कॉन्वेक्स लेंस के लिए। हम ले लेते हैं, हमारे पास आ गया कॉन्वेक्स लेंस। अब बच्चों अब तक हमने देख लिया कि पैरेलल हमने लाइट बीम को फॉल कराया पहली बार में पहले रूल में और दूसरे में फोकस से। अब इस लेंस का एक पॉइंट और बच गया है जो कि इसका सेंटर पॉइंट, और उसे क्या कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर है आपका, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या हो अगर कोई लाइट बीम इस ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई आगे को बढ़े, तो देखते हैं क्या होता है। हम स्विच ऑन करते हैं लेजर लाइट बॉक्स को, ये देखिए क्या हुआ, यहां नोटिस कर रहे होंगे आप कि आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां पर किसी भी प्रकार का डेविएशन नहीं हुआ, इस लाइट रे में किसी भी प्रकार का विचलन नहीं हुआ, ये अपनी दिशा से विचलित नहीं हुई है, ये जिस दिशा में बढ़ रही थी उसी दिशा में आगे को निकलती गई आफ्टर रिफ्रैक्शन भी। तो हम क्या समझे इस रूल नंबर थर्ड से, अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने हो और उससे कोई लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस की सरफेस पर फॉल करे और वो लाइट रे उसके कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजरे, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी भी प्रकार का डेविएशन शो नहीं करती है, वो सीधी ही निकल जाती है बिना विचलित हुए। इसको भी हम नोट कर लेते हैं। रूल नंबर थर्ड है उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो क्लियर है इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर थर्ड कॉन्केव लेंस के लिए। तो ले लेते हैं कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का भी एक ऑप्टिकल सेंटर है आप जानते हैं, यह ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा अगर इसके ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रे फॉल करके आगे को जाए। हम स्विच ऑन करते हैं लेजर लाइट बॉक्स से लेजर लाइट को, ये देखिए क्या हुआ, यहां भी बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर शो कर रहा है। देखिए ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट कर रही है इस कॉन्केव मिरर की सरफेस पर तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिना किसी डेविएशन के सीधे आगे निकल जाएगा। समझाऊंगा कि आप इसे भी नोट कर लेते हैं। हम कहेंगे कि आउटर लेंस के प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अंदर पर चलते हैं तो अगर हम कॉन्केव लेंस के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रख दें और उससे कोई लाइट रे इस प्रकार से फॉल करे कॉन्केव लेंस की सरफेस पर कि वो उसके ऑप्टिकल सेंटर से आए तो वो लाइट रे हमेशा सीधी निकल जाएगी बिना किसी अपवर्तन के। तो बच्चों ये है तीन इंपॉर्टेंट रूल।
चलिए जल्दी से इन तीनों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं और कंपेयर करते हैं। मतलब यहाँ जी देखिए ये आ गए हमारे तीन इंपॉर्टेंट रूल। रूल नंबर वन ये है कन्वेक्स लेंस के लिए और ये है कॉनकेव लेंस के लिए। आप देख रहे होंगे कन्वेक्स लेंस में अगर कोई लाइट जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो आपका रिफ्रैक्शन इसके फोकस से होकर के गुजर जा रही है, जबकि कॉनकेव लेंस में अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है तो वो डाइवर्ज होगी, लेकिन हमें ऐसा लगा कि वो कहां से आ रही है, कहां से ओरिजिनेट हो रही है इसके फोकस। रूल नंबर टू को कंपेयर करके देखते हैं फटाफट से। रूल नंबर टू के अकॉर्डिंगली अगर कोई लाइट रे सॉलो कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस से होती हुई इंसिडेंट करे कॉन्वेक्स लेंस की सरफेस पर तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है, जबकि रूल नंबर टू कॉन्केव लेंस के लिए अगर कोई लाइट रे कुछ इस प्रकार से फॉल करे कि वो उसकी प्रिंसिपल फोकस की ओर को बढ़ती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी किसके, इस प्रिंसिपल एक्सिस के। और लास्ट रूल ये तीनों के लिए बिल्कुल एक जैसा ही है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रे फॉल करती है कॉन्वेक्स लेंस या फिर हम कॉन्केव लेंस की बात करें दोनों के लिए, अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रे फॉल करती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाती है। तो बच्चों ये तो थे तीन इंपॉर्टेंट रूल। चलिए एक और प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए ये है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, अब आप बता सकते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है यहां पर। देखिए नोटिस करिए, देखा आपने क्या हुआ यहां पर, एक लाइट बीम आ रही है जो किस पर फॉल हो रही है, इस कन्वेक्स लेंस की सरफेस पर। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या क्या हुआ, देखिए आप ये जो ऊपर वाली लाइट बीम आई होगी ये अंदर की ओर को मुड़ गई यहां पर को, क्योंकि रूल नंबर वन के अकॉर्डिंगली ये क्या होगा पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कन्वर्ज हो जाएगी फोकस पर। और यहां से भी जो लाइट पैरेलल आ रही है ये भी कन्वर्ज होगी देखिए फोकस की ओर को, और जो बीच में लाइट होगी वो सीधी निकल गई। बच्चों ये प्रैक्टिकल कब दिखा हमें, जब हमें लाइट फॉल कराई कन्वेक्स लेंस की सरफेस पर। लेकिन अगर मैं अभी भी आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आखिर में यहां से ये जो लाइट थी जो पैरेलल आ रही थी ये नीचे को ही क्यों मुड़ी, या फिर वो लाइट बीम जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है वो सीधी ही क्यों निकल गई, या फिर जो नीचे वाली लाइट बीम है ये ऊपर को ही क्यों मुड़ी, अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो शायद उसके आंसर अभी आप नहीं दे पाएंगे। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ यहां पर, क्योंकि ये लाइट बीम नीचे को कन्वर्ज हुई और यहां से लाइट बीम ऊपर को कन्वर्ज हुई। समझते हैं हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये बहुत सारे प्रिज्म से मिलकर के बना होता है। ये देखिए ये है प्रिज्म और ये बहुत सारे प्रिज्म, देखिए प्रिज्म के टुकड़े हैं, इनको जब एक साथ मिला दिया तो ये बन गया लेंस। जब इनको अभी हमने एक साथ मिलाया था तो बन गया लेंस, और हमने अलग अलग कर दिया तो हमें प्रिज्म अब क्लियर दिखाई दे रहे हैं। प्रिज्म की देखिए बच्चों की स्पेशलिटी होती है कि अगर कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म की ओर को आए तो वो अपवर्तन के बाद उसके आधार की ओर को मुड़ जाती है। अब आप देखिए ये पहला वाला भाग जो प्रिज्म का है, इसका ये भाग जो है ये ऊपर वाला भाग संकरा भाग, ये इसका टॉप हो गया और ये इसका आधार हो गया, बेस चौड़ा भाग आधार वाला हो गया। इस वाले हिस्से में भी देखिए आप इसका आधार नीचे की ओर को है, जबकि इसका टॉप वाला हिस्सा संकरा वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर की ओर को। अब बीच वाले हिस्से में देखिए आप यहां, इसमें ना तो यहां संकरा हिस्सा है ना ही यहां संकरा हिस्सा है, यहां दोनों के दोनों हिस्से बराबर हैं। ये आपको एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा होगा, ये कांच की गुटके की तरह बन चुका है। और यहां देखिए फिर से जो नीचे की ओर को है इसका आधार बेस वाला हिस्सा, देखिए ये चौड़ा हिस्सा ये रहा, जबकि ये संकरा हिस्सा ये पतला हिस्सा जो है ऊपर की ओर को आ गया। तब की बार आधार यहां चला गया, जबकि यहां देखिए आधार नीचे को इधर को था। इस वाले लास्ट वाला पेज में इसमें देखिए आधार ये है और ये इसका टॉप वाला हिस्सा। अब क्या होगा अगर हम इसमें लाइट रे फॉल कराएंगे, देखिए लाइट रे फॉल कराकर आप बिल्कुल एकदम क्लियर समझ जाएंगे कि प्रिज्म किस प्रकार से बिहेवियर शो कर रहा है। फॉल कराते हैं देखिए लाइट रे, ये देखिए ये देखिए ये वाला प्रिज्म क्या कर रहा है, इस लाइट रे को अपने बेस की ओर को मोड़ रहा है। यहां भी देखिए आप इसका बेस कहां है, इस प्रिज्म का बेस कहां है ऊपर को है, तो इसने ऊपर को मोड़ दिया। अब इस वाले सेकंड वाले प्रिज्म का देखिए आप, इसका बेस कहां है नीचे को है, तो इसने नीचे को मोड़ दिया। इस वाले प्रिज्म का बेस ऊपर को था तो इसने ऊपर को मोड़ दिया। लेकिन यहां बीच वाले में हिस्से में क्या हुआ, क्योंकि ये कांच का गुटका है और आप अपवर्तन के नियम को जानते हैं कि अगर कोई लाइट रे 90 डिग्री पर फॉल कर रही है, कहां 90 डिग्री पर फॉल, 90 डिग्री का एंगल बना रही है ये इस ग्लास स्लैब के साथ, तो बिना किसी डेविएशन के ये आगे को बढ़ जाएगी। तो यहां क्या हो रहा है देखिए, ये बिना किसी विचलन के आगे को बढ़ रही है। तो ये कारण है कि प्रकाश की किरणें क्यों यहां से नीचे को मुड़ी, क्यों इस नीचे वाले हिस्से से ऊपर को गई और क्यों यहां ऑप्टिकल सेंटर से आगे को निकल गई। क्या कॉन्केव लेंस भी ऐसा ही बिहेवियर शो करता होगा, तो चलिए कॉन्केव लेंस के लिए भी देख लेते हैं। पहले उस पर एक कोई प्रकाश की किरण है, प्रकाश पुंज को आपतित करके देखते हैं। ये आ गया हमारा कॉन्केव लेंस और हम स्विच ऑन करते हैं
यहां से देखिए आप देख रहे होंगे जब इस पर प्रकाश पुंज कोई आपतित हुआ, प्रकाश की बहुत सारी किरणें जब उस पर आपतित हुई तो क्या हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसने प्रकाश की किरणों को कुछ इस प्रकार से फैला दिया, बाहर को फैला दिया। अब इसने क्यों ऐसा किया होगा, कॉन्केव लेंस ने ऐसा क्यों किया, क्या ये भी प्रिज्म से मिलकर के बना है, तो इसके बारे में भी हम फटाफट से समझ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर जानते हैं, ये है कॉन्केव लेंस। अब बच्चों ये भी बहुत सारे प्रिज्म से मिलकर के बना होता है, किस प्रकार से देखिए, ध्यान दीजिए, ये रहा प्रिज्म और ये जो हिस्सा देखिए आप प्रिज्म से मिलकर के बने, बहुत सारे प्रिज्म अगर एक के ऊपर एक मिला दी जाए तो बन गया कॉन्केव लेंस। अब इस प्रिज्म में देखिए आप, इस प्रिज्म में जो ऊपर वाला चौड़ा भाग है ये है आपकी बार आधार, और जबकि नीचे वाला जो पतला भाग है ये इसका टॉप वाला हिस्सा बन गया आपकी बार आधार, हमेशा ही चौड़ा वाला हिस्सा रहेगा। आप देखिए इसमें, यहां भी देखिए आप, इसका चौड़ा वाला हिस्सा ऊपर की ओर है तो आधार ही हो गया, जबकि ये बीच वाला हिस्सा आपकी बार भी दोनों ओर बराबर है तो ये एक ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा। यहां भी देखिए इस प्रिज्म के लिए ये चौड़ा वाला हिस्सा ये जो है इसका आधार बन गया और इसका टॉप वाला हिस्सा बन गया, तो क्या होगा अगर इसमें कोई लाइट फॉल करे, ये देखिए ध्यान दीजिए, देखिए ये इसका आधार था इस प्रिज्म का तो इसने ऊपर की ओर को इसको विचलित कर दिया, जबकि यहां इस प्रिज्म का आधार नीचे की ओर को था तो इस वाले प्रिज्म ने इसको इस ओर को विचलित कर दिया। बीच में क्या हुआ, ये ग्लास स्लैब है और फिर से वही बिना किसी विचलन के ये प्रकाश की किरण सीधे सीधे आगे को निकल गई। तो शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस ऐसा बिहेवियर क्यों शो करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास के लिए यहीं तक, आज आपने क्या सीखा, मैं जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है आपके लिए, उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से होकर के गुजरेगी। सेकंड क्वेश्चन है, लेंस का वह भाग कौन सा है जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे आगे को निकल जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, यदि कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस कॉन्केव लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह लेंस से किस प्रकार अपवर्तित होगी। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसरित क्यों करता है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए यहीं तक, थैंक यू बच्चों।